अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोमास फन किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू की कतलियों की रेसिपी, जो बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। वो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ये बहुत हल्की सा एक समझ लें सब्जी है, जो हैवी नहीं होती। आप सहरी में पराठों के साथ खाएं तो ये बहुत मज़े की होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। आलू मैंने ले लिए हैं, 5 आलू लिए हैं मैंने, जिनको मैंने कतलियों में काट लिया है। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं जो मैंने मोटी मोटी काट ली हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, नमक मैंने इसमें डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा सा पानी चाहिएगा जो मैंने गर्म पानी लिया है। तो चलिए आप देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तेल मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, पहले से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा और हरी मिर्च डाल देंगे। ज़ीरे में जैसे ही कलर आएगा हम फौरन ही इसमें आलू डाल देंगे। अब मैं इसमें आलू डालने जा रही हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे, 2 मिनट इसको भूनेंगे। दो मिनट हो गए हमें आलू को भूनते हुए। मेरे पास गैस इस वक्त इतनी कम आ रही है, मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। चलिए इसमें हम टमाटर डालते हैं। ये 2 बड़े टमाटर हैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे टमाटर के साथ। पानी मैंने गरम लिया है। गरम पानी यूज़ करने से सालन जो भी आप बनाते हैं या सब्ज़ी, उसका कलर ख़राब नहीं होता। इसको थोड़ा भूनने देते हैं। टमाटर के साथ आलू हम भून चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि थोड़ी सी इसमें ग्रेवी आ जाए। बहुत थोड़ा सा पानी गरम लिया है मैंने। इतना पानी काफी है। अब से हम ढक देंगे और ढक के पकाएंगे। मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया है काट के थोड़ा सा, क्योंकि अभी आलू गले नहीं है तो मैं धनिया डाल के इसको चला सकती हूँ। क्योंकि जब आलू गल जाएंगे तो मैं धनिया डाल के इसको चला नहीं सकती, वरना आलू टूट जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और अब मैं इसको ढक के पकने दूंगी। जी जनाब, अब हम चेक करते हैं हमारे आलू रेडी हो गए हैं। ये देखें, आलू गल चुके हैं और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारे आलू रेडी हैं, आलू की कतलियाँ। आप इसे पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, दोनों के साथ आपको मज़ा आएगा। सहरी में बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।